सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास विंडोज 11 में ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है तो उस अपडेट को जो है कैसे स्टॉप कर सकते हैं, कैसे डिसेबल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले आपको जो है दोस्तों विंडोज 11 की सेटिंग में जाना है। विंडोज की प्रेस करते हुए आपको आई प्रेस कर देना है, शॉर्टकट की से सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर विंडोज अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको जो है यहाँ पर ये जो मोर का ऑप्शन है, यहाँ पर मोर ऑप्शन, उसके बाद आपको जो है यहाँ पर पॉज अपडेट का एक ऑप्शन है, यहाँ पर एरो के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर वीक 1 से लेकर वीक 5 तक जो है आप यहाँ पर से अपडेट को जो है पॉज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप 2 वीक भी रख सकते हैं, 3 वीक, 4 वीक और 5 वीक, आप जो चाहे अपने हिसाब से अपडेट को जो है पॉज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पॉज करने के बाद आपको इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको विंडोज 11 के सर्च बार में टाइप करना है सर्विसेज। उसके बाद आपको इसको क्लिक कर ओपन कर देना है। सर्विसेज जो है ओपन हो जाएंगे। फिर आपको जो है यहाँ पर फाइंड आउट करना है विंडोज अपडेट। तो यहाँ पर अभी जो है मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विंडोज अपडेट, आपको जो है इसको राइट क्लिक करना है, यहाँ पर प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर स्टार्टअप टाइप जो है ये ऑटोमेटिक है, तो आपको जो है इसको डिसेबल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है अप्लाई के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। फिर दोस्तों आप इसको क्लोज कीजिए। उसके बाद आपके पास जो है विंडोज 11 में ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होंगे। तो इस तरीके से जो है आप इजीली विंडोज 11 में जो है ऑटोमेटिक अपडेट जो है डिसेबल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।